हेलो गाइस वेलकम बैक टू आसान अवित आदित्य चैनल आज की वीडियो में हम क्लास सिक्स एन क्लास सिक्स से मैथ का कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है और ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो मैथ में बहुत कमज़ोर हैं पंद्रह वीडियो इस लिस्ट की पहले भी बन चुकी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब मैं क्लास वाइज सारी वीडियोज़ डालता रहूँगा तो मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ नंबर बताऊँगा कि मैंने कौन सी चीज़ कौन से नंबर पर करी थी ठीक है तो आप पूरी लिस्ट को फॉलो कीजिएगा आसान विद आदित्य चैनल की प्ले में जाके या हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा ठीक है तो आज के में क्या कॉन्सेप्ट हमारा कंपेयरिंग नंबर्स नंबर को कंपेयर करना जैसे कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है इससे पहले हम थोड़ी सी पुरानी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं हमने पहले सीखा था कि वंस होता है टेंस होता है एच फोर हंड्रेड होता है फिर हमारा थाउजेंड होता है फिर हमारा टेन थाउजेंड होता है फिर हमारा लैख होता है फिर हमारा टेन लैक होता है ये नंबर सिस्टम में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था करोड़ों तक नंबर होते हैं ये भी पढ़ा हुआ था हमने ठीक है जैसे एक नंबर यहाँ पे हो गया दो हो गया फिर यहाँ पाँच हो गया चार हो गया तीन हो गया छः हो गया नौ हो गया ये सारे नंबर हमने पढ़े हुए थे अब कंपेयरिंग करते टाइम क्या होगा ये हम देखते हैं अब जैसे ये क्या है तो ये क्या बना थ्री हंड्रेड एटी टू फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी टू एटीन थाउजेंड सॉरी यहाँ पे ये सिंगल नंबर है एटीन और ये हमारा बना फिफ्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी फाइव और ये हमारा बना 750 जैसे ये सारे नंबर है एक बार फिर से रिपीट कर दूं ये एक नंबर है ये एक नंबर है ये एक नंबर है ये एक नंबर है ये एक नंबर है, है अलग अलग नंबर है तो इसमें हमें क्या करना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है अब इस पूरी लिस्ट में बताइए कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन सी है तो ग्रेटेस्ट कौन सी होती है जिसमें जितने नंबर्स होते हैं जितने ज़्यादा टर्म्स होते हैं वो उतना नंबर होता है अगर किसी में वंस टेंस हंड्रेड तक है और किसी में इसके कंपेयर में जो नंबर है उसमें वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड तक है तो कौन सा बड़ा होगा नंबर हमेशा ये वाला नंबर बड़ा होगा जिसमें ज़्यादा टर्म होंगे वही नंबर बड़ा होगा अगर किसी में छोटा टर्म है तो वो वाला छोटा होगा जैसे मैं कहूँ सिक्स सिक्स सेवन और यहाँ हो एट सेवन थ्री फोर अब इसमें कितने डिजिट हैं एक दो तीन चार चार डिजिट हैं एक दो तीन इसमें कितने डिजिट है तीन डिजिट तो ये वाला नंबर स्मॉल होगा और ये वाला नंबर हमारा लार्ज होगा या ग्रेटे ग्रेटेस्ट होगा ओके okay? ये बड़ा होगा अगर तीन और चार के बीच में है तो इसी तरह हमें सिर्फ डिजिट निकालनी है तो अगर पाँच या सात डिजिट में आएगी तो सात डिजिट वाला बड़ा होगा अगर आठ या तीन डिजिट की होगी तो आठ डिजिट वाला बड़ा होगा तो हमें सबसे बड़ा डिजिट देखना होता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में अगर डिजिट सेम हो मान लो कि छः छः डिज़िट का नंबर है जैसे कि मैंने एक नंबर लिया पाँच 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 तीन तीन और दो और दूसरा नंबर लिया मैंने पाँच 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 छ एक और दो तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है तो इसमें भी पांच डिजिट है इसमें भी छः डिजिट है इसमें भी छः डिजिट है तो कैसे करेंगे पहले लास्ट वाला देखेंगे बराबर है फिर लास्ट वाला देखेंगे बराबर है फिर लास्ट वाला देखेंगे बराबर है फिर लास्ट वाला देखेंगे बराबर है अब यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ थ्री टू है यहाँ वन टू है तो कौन सा बड़ा हुआ ये वाला बड़ा हुआ तो ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ ये वाला बड़ा हुआ जब सेम डिजिट का होगा अगर सिक्स सिक्स डिजिट का सेम नंबर है तो ऐसे हम करेंगे बाकियों को तो हम ऐसे ही करेंगे ये तो ऊपर का आपको याद ही होगा ओके तो चलिए अब इस नंबर में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो बताइए इन सभी नंबर में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बताइए देखिए ये चार डिजिट का है और ये वाला कितने का है एक दो तीन चार पाँच ये पाँच डिजिट का है तो जो सबसे ज़्यादा डिजिट का होता है वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उस लिस्ट में जो ये हमें लिस्ट दी गई है इस लिस्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है फाइव नाइन सेवन एट फाइव ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट हमारा नंबर कौन सा है दोस्तों बताइए इसमें से सबसे स्मॉल कौन सा है एक तो एटीन लग रहा है फिर थ्री हंड्रेड एटी टू है फिर सेवन हंड्रेड फिफ्टी है तो सबसे छोटा कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है एटीन तो एटीन जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है गुड बॉय अच्छे से मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा स्मॉल का मतलब क्या होता है जितनी डिजिट का होगा उतना छोटा होगा एक दो तीन अगर एक डिजिट का है तो वो सबसे छोटा है अब एक डिजिट के मान लो यहाँ पर एक और पाँच है तो इसमें तो सबको पता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है बताइए ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट है और ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट है ओके अब अगले में देखते हैं आप इसमें सीधा बताइए आप कोई समझाना नहीं है सीधा पढ़ाई शुरू बताइए इसमें से कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ आप सोचिए मैं तब तक इसे मिटा लेता हूँ बताइए इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है कौन सा है इसमें बताइए ये हंड्रेड क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे छोटा नंबर हंड्रेड से छोटा तो कोई क्वेश्चन नहीं है अब बड़ा देखते हैं तो ये वन टैंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड है तीन दो पाँच डिजिट का है और ये हमारा चार डिजिट का है तो ये पूरा कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट हुआ ये वाला डिजिट ग्रेटेस्ट हुआ तो क्या डिजिट है ये एट नाइन फोर टू थ्री तो ये हमारा क्या हुआ ग्रेटेस्ट डिजिट है और ये स्मॉलेस्ट डिजिट सेम क्वेश्चन यही है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताइए सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन सा है बताइए देखिए सबसे ज्यादा डिजिट किस में है इसमें तो ये हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट हुआ और जो वन 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 हुआ वो हमारा स्मॉलेस्ट हुआ तो सिर्फ यही बताना था इसमें कि ग्रेटेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है लिस्ट आ जाती है तीन चार नंबरों की उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट बताना होता है उस... सबसे स्मॉलेस्ट बताना होता है ओके okay गाइस तो चलिए अब इन्हीं क्वेश्चनों को आपको होमवर्क करना है इसमें से बताना है सबसे ग्रेटेस्ट कौन है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन है ठीक है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है ना तो देखिए लास्ट के डिजिट देखिए ये भी चार का है ये भी चार का ये भी चार का ये भी सब चार चार के हैं तो लास्ट वाला देखिए पहले ये भी फोर है ये भी फोर है ये भी फोर है ये भी फोर है ओके यहाँ तो कुछ नहीं है अब तीसरे नंबर पे देखिए इधर फाइव है इधर एट है इधर थ्री है इधर फोर है तो कौन सा बड़ा है सबसे तो हमारे ये वाला जो नंबर है ये सबसे ग्रेटेस्ट है ये सबसे बड़ा नंबर है अड़तालीस बानवे सबसे बड़ा नंबर है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी टू सबसे बड़ा है इन सारे नंबर में अब सबसे छोटा कौन सा है तो ये थ्री हंड्रेड है यहाँ थ्री हंड्रेड है यहाँ फोर हंड्रेड है यहाँ फाइव हंड्रेड है तो सबसे छोटा कौन सा होगा थ्री हंड्रेड वाला तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है क्या नंबर है ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा है ये वाला हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर का तो इस सारे नंबर को अब आपको वेरीफाई करना है कि कौन सा ये छोटा है कौन सा बड़ा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाके लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये है सेकंड क्वेश्चन का ये है थर्ड क्वेश्चन का ये है और फोर्थ क्वेश्चन का ये है नीचे नीचे लिख सकते हैं अब रिपीट करने की कोई बात नहीं है जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको अच्छे से कीजिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जैसे ये है और मान लीजिए ये नंबर है हमारा तो पूछ रहा है कौन सा ग्रेटेस्ट है बताइए ये वाला ग्रेटेस्ट है ये वाला तो डिजिट देखेंगे इसमें चार डिजिट है इसमें तीन तो ये अपने आप अप छोटा हो गया ठीक है और ये डिजिट हमारा बड़ा है तो ग्रेटेस्ट ये है स्मॉलेस्ट ये है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन रिपीटेशन का मतलब है दोबारा नंबर को यूज़ नहीं करना है डोंट रिपीटेशन रिपीटेशन एक ही नंबर को दोबारा यूज़ नहीं करना है एक ही डिजिट को है ना एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर ठीक है इसमें दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक रिपीटेशन और दूसरा फोर डिजिट नंबर बिना रिपीटेशन के नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट और डिजिट कितने का होना चाहिए फोर डिजिट का होना चाहिए अब आप अगर कहेंगे ये सर फोर डिजिट का है तो नहीं ये फोर डिजिट का नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि किसी नंबर के आगे अगर जीरो लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ये दस रुपये है तो ये भी दस रुपये ही है इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है इसीलिए पीछे की जीरो का कोई मतलब नहीं होता है ये दो ही दो ही डिजिट का नंबर हुआ और ये तीन डिजिट का नंबर हुआ चलिए कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया अब क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन हमारा क्या है टू एट सेवन फोर अब इससे G4 फोर ग्रेटेस्ट और S4 फोर स्मॉलेस्ट बनाइए सबसे बड़ा डिजिट कब बनेगा चार डिजिट का कह रहा है तो क्या क्या आएगा वंस आएगा टेंस आएगा हंड्रेड आएगा थाउजेंड आएगा अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है एट उससे छोटा क्या है सेवन उससे छोटा क्या है फोर उससे छोटा क्या है टू तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर अब इसी का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा टू फोर सेवन और एट ये हमारा क्या बन गया इसका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया अब रिपीटेशन वाली क्या कहानी बताई थी अगर मुझे यहाँ ग्रेटेस्ट बनाना होता और मैं रिपीट कर सकता तो तो मैं चार बार आठ ही लिख देता ये सबसे ग्रेटेस्ट बन जाता लेकिन इसने क्या कहा था कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए आठ आठ दो बार यूज नहीं होना चाहिए ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया अब आगे का नंबर जीरो जीरो वाले में कन्फ्यूज़न होंगे तो मैं ई वाला पार्ट आपको और करा देता हूँ कौन सा वाला ई वाला तो देखते हैं क्या कह रहा है ई वाला पार्ट पाँच चार ज़ीरो और तीन ठीक है अब इससे बनाना है हमें ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है तो ग्रेट में सबसे बड़ा क्या है सबसे बड़ा है हमारा पाँच उसके बाद चार उसके बाद तीन और उसके बाद ज़ीरो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर ठीक है इससे बड़ा और कोई सा नहीं बन सकता अगर मैं चार इधर लगा दूंगा तो चार छोटा हो जाएगा नंबर में ठीक है अब उसके आगे देखते हैं अगर इसका स्मॉलेस्ट बनाना हो तो स्मॉलेस्ट तो के लिए क्या होगा जीरो को तो हम पहले लगा नहीं सकते तो जीरो को क्या करेंगे पहले क्या लगाएंगे तीन और उसके बाद जीरो को लगा लेंगे जीरो फिर चार और ये पाँच ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर इससे स्मॉल नहीं हो सकता अगर आप इसको चार को यहाँ लिख देंगे मान लो अगर ये मैंने कर दिया तो ये चार सौ हो जाएगा चार सौ पाँच और ये हुआ पैंतालीस तो पैंतालीस छोटा होता है चार सौ पाँच छोटा नहीं होता हमें स्मॉलेस्ट बनाना था तो हमारा ई पार्ट भी हो गया अब मुझे आशा है इसका बी सी और डी पार्ट आप इजिली बना लेंगे खुद से डिजिट के बारे में जो यहाँ समझा रखा है कि ये थ्री डिजिट का नंबर हो गया ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था तो मुझे आशा है ये पूरा हो गया अब कह रहा है नाउ मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है फोर्थ डिजिट का नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस ट्वाइस का मतलब होता है दुगना दो गुना एक नंबर को आप ट्वाइस यूज कर सकते हैं दो बार यूज कर सकते हैं उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए तो चलिए हम दूसरे का पहला पार्ट करते हैं क्या नंबर है तीन आठ और सात अब इससे क्या बनाएंगे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे ग्रेटेस्ट के लिए अगर हम रिपीट करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर है आठ अब आठ आठ और सात एक बार रिपीट करके मैंने सबसे बड़ा नंबर क्या बनाया इन तीनों नंबरों से आठ आठ सात क्योंकि एक बार मुझे दूसरा नंबर भी लेना था दूसरा बड़ा नंबर क्या था सात तो मैंने सात लिया अगर मैं तीन ले लेता तो उससे बड़ा तो सात था तो इसलिए मैंने तीन नहीं लिया छोटा नंबर छोड़ दिया अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाऊंगा तो क्या करूंगा जो स्मॉल वाला है वो दो बार ले लूंगा और फिर जो उससे बड़ा है उसे मैं ले लूंगा तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया इन डिजिट से अपनी तरफ से डिजिट नहीं लेनी इन्हीं नंबर से बनानी है ठीक है तो जब दो बड़े जब बड़े बनाने थे तो दो डबल बड़े ले लिए और जब छोटे बनाने थे तो दो छोटे ले लिए मैंने और यहाँ अगर जीरो होता तो ज़्यादा फ़ायदा होता लेकिन इस डिज़िट में जीरो नहीं है जो कि हमारा कहाँ है अगले बी पार्ट में है तो अब मैं बी पार्ट अगर मैं आपको करा दूंगा तो आप नहीं बी नहीं सी करा रहा हूँ मैं ठीक है सी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा आपको देखने में तो ये वाला मैं करा देता हूँ सी वाला अब इससे क्या करना है मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट में कौन सा है नौ no, नौ no, मैं दो बार लिख लूंगा और एक बार चार लिख लूंगा ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया और स्मॉलेस्ट में क्या करूंगा चार मेरा छोटा है तो चार को एक बार लिख लूंगा जीरो को दो बार दो बार रिपीट कर सकते थे ना तो जीरो को दो बार रिपीट कर दिया तो ये मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया तो ये पूरा आपको समझ आ गया है यहाँ तक अब इसके बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे मुझे पूरी आशा है आप कर लेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में भी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लिख के बताइएगा ठीक है अगर आप इसको बताना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा इस्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर ठीक है ये पुरानी ही चीज़ें हैं जो पहली से पाँचवीं तक की हमने बेसिक वीडियोज़ में पंद्रह वीडियोज़ में सीखी थी यही सब मैंने अच्छे से सिखाया था पहले अब यहाँ देखते हैं मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट डिफरेंट डिजिट का यूज़ करके सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है थ कंडीशन एज जैसे कि यहां पे कंडीशन दिया हुआ है डिजिट सेवन इज ऑलवेज एट वंस प्लेस सात नंबर जो है वो हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा वंस प्लेस ये वाला होता है ना तो सात नंबर रहना चाहिए वो इनका कहना है अब इनसे सबसे बड़े नंबर बनाइए और अलग अलग डिजिट थे से तो इन्होंने क्या किया नौ आठ और सात नहीं लिखा क्योंकि सात तो वन पे आ गया ना तो इन्होंने सात से छोटा क्या होता है छह तो छह लिख दिया और सबसे स्मॉलेस्ट क्या बना दिया एक जीरो दो सात अब यहाँ पे जीरो लिख देते थे तो तीन डिजिट का हो जाता है इसलिए एक लिया फिर ज़ीरो लिया फिर दो लिया और फिर सात लिया ठीक है तो जीरो का ये यूज कर सकते थे पहले भी लेकिन पहले नहीं कर सकते ना पहले कोई नंबर लेना पड़ेगा ना उसके पास जीरो तो ये समझ में आ गया अब इसी तरह से यहाँ बनाना है आगे क्या कह रहा है नोट नंबर कैन नॉट बी बिगिन विथ जीरो जीरो से नंबर शुरू नहीं हो सकता जो कि अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था डिजिट फोर इज़ ऑलवेज एट प्लेस टें प्लेस पे डिजिट होगी वो टेंस प्लेस पे फोर डिजिट होनी चाहिए तो ये टेंस प्लेस है ना तो अब सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारा नौ होता है फिर आठ होता है फिर चार लिखा हुआ है तो फिर सात लिख देंगे ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और फिर इसी से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो तो फिर क्या करेंगे पहले एक लेंगे फिर जीरो लेंगे और फिर दो लेंगे ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया किसी भी नंबर को ले सकते हैं जीरो से ले कर नौ तक किसी भी नंबर को लेके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है बस ये कंडीशन क्या है इसकी फोर थी कि फोर इस पर में टेंथ पे होना चाहिए इसमें सात पे होना चाहिए अब आगे देखते हैं डिजिट नाइन इज़ ऑलवेज एट द हंड्रेड प्लेस हंड्रेड प्लेस पे नाइन रहेगा अब बनाइए सबसे ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट के लिए नौ सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा अगर आपने मेरी पुरानी पंद्रह वीडियो देख रखी है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब ये नौ सबसे बड़ा हो गया तो सॉरी नौ तो पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर हमें यहाँ पे आठ लेना पड़ेगा फिर आठ सात छः ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इससे ग्रेट नंबर नहीं हो सकता क्यों क्योंकि हमें रिपीटिशन नहीं दिया हुआ है रिपीट नहीं कर सकते हम एक नंबर को अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा इस्मॉलेस्ट में हमें एक ही लेना पड़ेगा कि जीरो तो ले नहीं सकते अब नौ पहले से आ गया तो फिर यहाँ ज़ीरो लेंगे और यहाँ पे दो लेंगे ठीक है ये हमारा स्मॉलेस्ट बन गया तीसरा वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ अब ये आपको खुद करना है तो ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई अब चलिए इसके अगले अभ्यास पर चलते हैं हम ये सब सिक्स क्लास का है अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टैंड विद द प्रॉपर ऑर्डर प्रॉपर ऑर्डर के हिसाब से चलना है हु इज हु इज टॉलेस्ट टॉलेस्ट कौन होता है टॉल का मतलब सबसे लंबा होता है हु इज शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट कौन होता है जो सबसे छोटा होता है अगर ये आप एन की बुक में देखना चाहते हैं तो बुक नंबर पेज नंबर चार पर आइए पेज नंबर चार देख सकते हैं ये का ठीक है कैन यू अरेंज द आइटम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर Increasing और डिक्रीजिंग or दो चीज़ें आ गई अब देखिए increasing और डिक्रीजिंग क्या होता है इनक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ते क्रम में जैसे दो चार छः आठ है ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है आठ छः चार दो घटते घटते क्रम में जैसे एक दो तीन ये बढ़ रहा है ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ डिक्रीजिंग का मतलब जैसे यहाँ पे पाँच हो गया चार हो गया तीन हो गया तो घट रहे हैं तो इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं तो इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब समझ आ गया जैसे राम भरी है राम भरी हैं ये कितने 160 है, एक 160 सेंटीमीटर के हैं डॉली एक सेंटीमीटर की है मोहन एक सेंटीमीटर के हैं और शशि एक सेंटीमीटर की है तो ये घटते हुए आ रहे हैं इसका सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, उस कम नहीं नहीं एक सौ उनसठ है 159 है 158 है 154 है और 160 है तो ये अरेंज सही से नहीं है तो इसको आपको अरेंज करना है जो सबसे छोटा है तो बताइए क्या आएगा पहले पे पहले पे ये आएगा दूसरे नंबर पे ये आएगा तीसरे पर ये आएगा और चौथे पर ये आएगा ठीक है मुझे इसमें ना सही से दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मुझे नंबर पहले से पता नहीं चले बाद में मैंने रिपीट कर दिया तो ये क्या हो गया इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया जब सबसे बड़ा सबसे पहला होता है तो वह इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और डिक्रीजिंग का मतलब जब स... जब सबसे बड़ा सबसे पहले हो और छोटे की तरफ जा रहा हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है और जब छोटा सबसे पहले हो और बड़े की तरफ जा रहा हो तो इंक्रीज़ इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना अगर दो से तीन हो गया तो वो बढ़ गया डिक्रीज़ का मतलब होता है घटना अगर तीन से दो हो गया तो वो घट गया तो मुझे आशा है पूरी बात मैं क्लियर कर पाया हूँ अब यहाँ से देखिए इसका कॉस्ट है छब्बीस सौ पैंतीस रुपये टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी फाइव रुपीज़ इसका वन थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी सेवन रुपीज़ टू थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी फोर रुपीज़ 1,788 रुपीस 39 3,975 एटी अब इसमें भी क्या करना है कैन यू अरेंज दिस प्लेस इंक्रीजिंग ऑर्डर अब इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है पैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं तो सबसे कम पैसा कौन सा है ये सत्रह वाला फिर उसके बाद ये वाला उसके बाद आपका है छब्बीस वाला तीन पे ही आएगा चार पे ही आएगा और पाँच पे ही आएगा तो ये, आएगा। तो ये आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में और इसी को उल्टा कर देंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है अकॉर्डिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब स्मॉल से ग्रेट की तरफ बढ़ते हैं मतलब दो दो से दस की तरफ बढ़ेंगे तो वो असेंडिंग होगा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जब नौ से लेकर एक तक की वापस आएंगे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो यही हमारा इसका कॉन्सेप्ट था ये चीज़ें मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी ठीक है इंक्रीज इंक्रीज का मतलब क्या होता है बढ़ना जैसे एक से दो दो से तीन तीन से चार चार से पांच इसी तरह आगे आगे बढ़ के हजार तक अगर बढ़ रहा है अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं अगर बढ़ रहा है बढ़ने को इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं अब डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है जब नौ हो आठ हो सात हो छ हो 5 हो नीचे की तरफ घटता हुआ आ रहा हो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं ठीक है या डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग कहे या डिसेंडिंग कहे दोनों की एक ही बात है तो इस कॉन्सेप्ट का यही मतलब था कि बड़े से छोटा अब ये इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, है ना और ये बिल्कुल इतना सा है तो इसको क्या कहूँगा इसको सबसे बड़े से लगाइए तो बड़े पे ए ये आएगा फिर बी ये आएगा फिर सी ए आएगा फिर डी आएगा और फिर ये ई e आएगा तो यही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है जब मैं बड़े वाला पहले लूँगा तो वो हमारा क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा जब छोटे वाला पहले पे लूंगा तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा सबसे छोटा सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है हमारा सबसे स्मॉल वाला सबसे पहले होता है तो इन सारे नंबरों में से आप बताइए सबसे छोटा कौन सा है तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन सा है इसमें से पांच ये क्वेश्चन है ना हमारा उसके बाद कौन सा है आठ सौ उसके बाद हमारा कौन सा नाइन तो बड़ा है फिर एट है फिर एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फिर कौन सा है हमारा नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी फोर तो ये हमारा क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो ये एक पे आ जाता ये दो पे आ जाता ये तीन पे हो जाता और ये चार पे हो जाता ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे सेम टू सेम है अरेंज द फॉलोविंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसका डिसेंडिंग का मतलब क्या है सबसे बड़ा सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है पहले नंबर लगाइए ये सबसे ज़्यादा डिजिट का है तो यही सबसे बड़ा है एट फाइव फोर एटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फिर उसके बाद कौन सा है तो मुझे सीधा दिख रहा है ये सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड और सिक्सटी वन उससे छोटा है उससे छोटा कौन सा है सेवेंटी फाइव हंड्रेड सात हज़ार पाँच सौ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद कौन सा है फाइव थाउजेंड पाँच हज़ार तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया तो ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर का अब इसी तरह जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ते जाते हैं तो डिजिट बढ़ती जाती है ठीक है अब जैसे दो नंबर है तो इसमें क्या करना है आपको पहले एक दो तीन चार पांच छह छह डिजिट का है एक दो तीन चार पाँच छः ये भी छः डिजिट का है तो ऐसे में क्या करेंगे छः डिजिट का ये भी छः डिजिट का ये भी सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे ये और ये बराबर है अब यहाँ पे सिक्स है और यहाँ पे थ्री है तो कौन सा बड़ा है ये वाला बड़ा है तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया और जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ठीक है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये सबसे पहले आएगा ठीक है इंक्रीजिंग में ये सबसे लास्ट में आएगा ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा ये तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको समझ आई होगी ये क्लास सिक्स के हिसाब से है किसके हिसाब से क्लास सिक्स का बेसिक मैथ है वैसे तो पूरा ही मैथ है इसको बेसिक क्या कहूँ मैं यही सिक्स क्लास में पढ़ाया जाता है सिक्स क्लास के हिसाब से तो एडवांस हुआ अब अगर जिन बच्चों की पहले से अच्छी होती है मैथ वो बच्चे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अब इसके साथ आपको जो मैंने पहले सिस्टम बताया था नंबर सिस्टम उस नंबर सिस्टम को ज़रूर देख लीजिएगा आगे की एक्सरसाइजों को करने के लिए ठीक है और इसको अगर आप कर पाएंगे तो एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट आप कर लेंगे और सिक्स को आप ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों जो कि शायद आप इजीली कर लेंगे वो मैंने पहले से कराया हुआ है जैसे कि आगे क्वेश्चन बना फोर सेवन फाइव थ्री टू ज़ीरो अगर मैं इसमें आपको कॉमा कहूँ नेशनल सिस्टम के हिसाब से तो आप लगा ही लेंगे ये तो मैंने पहले लगवा रखा था कैसे होगा फोर सेवन फाइव थ्री टू जीरो तो पहले मैंने बताया था पहले तीन के बाद लगता है फिर फोर के बाद लगता है ये हमारा कोमा लग गया तो आगे की एक्सरसाइज में आगे की प्रैक्टिस में यही चीज़ है ये तो आप इजीली लगा लेंगे ये मैंने जो पंद्रह वीडियो पहले कराई थी नंबर सिस्टम वाले उसमें भी कराया हुआ है तो मुझे आशा है ये मैथ की वीडियो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसमें कुछ देने की कोशिश की बेसिक लेवल के से थोड़ा सा ज़्यादा तो मुझे आशा है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इसी के साथ देखिए बुक में क्या लिखा हुआ है मेक टेन सच एग्जाम्पल्स इस तरह से और भी दस एग्ज़ाम्पल्स बना लीजिए जैसे कुछ नंबर लिख लीजिए फोर थ्री फाइव नाइन फोर थ्री सिक्स और इन सवालों को बनाइए जैसे मैंने एक नंबर लिख लिया ना इसी तरह दस अलग अलग नंबर लिखे और उनको असेंडिंग डिसेंडिंग में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बनाने की कोशिश कीजिए फिर उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट अलग कीजिए सबसे ग्रेटेस्ट अलग कीजिए और अलग करके अपने आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस यह सारे सब्जेक्ट किस से बनते हैं प्रैक्टिस से बनते हैं जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आप कर पाएंगे मैथ्स लाइक अ गेम एंड वी टीच हाउ टू प्ले इट ठीक है तो अच्छे से मैथ्स को करें यह वीडियो सिक्सटीन था बेसिक मैथ का और इसी तरह ऐसा नहीं है अभी मैं सिक्स का मैथ करा रहा हूँ फिर शायद अगला हो सकता है कि अगली वीडियो में मैं एर्थ का मैथ का कोई टॉपिक उठा लूँ तो ये एक नंबर सिर्फ इसलिए है।, है सब कुछ बेसिक अगर मैथ कमज़ोर है आपकी तो इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं अगर आप शुरू से बेसिक मैथ बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक ज़रूर कीजिए सभी चीज़ों की लाइन वाइज वीडियो लगी हुई है